आठ वर्षों के अथक प्रयासों के बाद माणा प्रताप फिल्म अब पूरी तरह बनकर तैयार है और उसकी पहली कड़ी में इस फिल्म का संगीत जिसे ऑफिशियली भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने गोल्डन को खोलकर उसका लोकार्पण किया और इसका पब्लिक के लिए रिलीज अंतर चेतन चौराहे पर जन लोकार्पण जैसे हम कहते हैं। लेकिन मैंने इस फिल्म में जो जैसा इतिहासकारों ने प्रताप के साथ संघर्ष को दिखाया वैसे ही दिखाया, हमने कोई अकबर को क्रिटिसाइज किया ऐसा नहीं, लेकिन जैसा था इतिहासकारों ने जो स्पष्ट चित्रण किया है वो मैंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाया है। जहां तक इसके संगीत की समाप्त की बात है, प्रदीप जी ने मेरे से अप्रोच किया था, उस वक्त शुरुआत में ये था कि शायद लोकल सिंगर से यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाएंगे, लेकिन जब पहला गाना था तो प्रदीप जी ने कहा कि इसको बॉम्बे में रिकॉर्ड कराए और वहीं की किसी आर्टिस्ट से इसका गाना होगा। मैंने कहा कि इसका खर्चा बहुत आएगा, तो वहाँ तक इसकी आप चिंता न करें। पहला गाना शायद हमारा ही गाया है, हर हर महादेव, ये प्रयाण गीत है, युद्ध के समय चलेगा ये पूरी फिल्म में, और ऐसे लिरिक्स जैसा मैंने बताया अभी मैंने किए श्री रामेश्वर सोनी ने हमको समर्पित किए। वो इमोशंस को जगाने की कोशिश की, इसे आप सुनिए, जगजीत जी ने गाया है और डॉक्टर प्रेम भंडारी जी ने इसे लिखा है। ये लघु रोती हुई शाम उपेंद्र जी ने गाया है और हलीम तनवीर और डॉक्टर प्रेम भंडारी दोनों ने मिलकर इसको लिरिक्स को कंपोज किया है।
पे काफी डिस्कशन हुआ, राणा वीरधर रघुवाला कौन गा मेवाड़ी एक्सेंट चाहिए, तो पहले ध्यान आया कि भूपेंद्र जी से गवा है, फिर ध्यान आया कि ऐसा करते हैं कि कुमार सानू से बोलवा उससे गवा देते हैं, तो जो म्यूजिक अरेंजर है वो दोनों बोले यार आपके पास कलाकार बैठा है और मेवाड़ की माटी का फीचर आप बाहर से क्यों ढूंढना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो हमने प्रेम जी को ही कहा कि आपको ही गाना पड़ेगा, और प्रेम जी ने गाया है और बहुत खूबसूरत गाया है, जैसे आपको सुने अपने मेवाड़ के उन, चूंकि मेवाड़ी भाषा आपने हमारा निमंत्रण भी देखा होगा, हमने जानबूझ कर अपनी माटी की बात को ही हमने